a tour bus. Still the same game, except I'm pulling more sleds. Get ready. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर न्यू वीडियो। आप सभी का स्वागत है वीडियो में। तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो थंबनेल आपको देख के पता चल ही चुका होगा कि ये वीडियो किसके बारे में है भाई। तो डेडमैन वर्सेस टैंक। तो गाइस, ये फाइट ना बहुत इंटेंस होने वाली है। आप वीडियो को एंड तक देखना, मैं पूरा समझा दूंगा कि मैंने क्या किया पूरे गेम प्ले में। मतलब क्या ही तबाही मचा दिया भाई एंड में। तो देखना, स्टार्टिंग से देखो। यहाँ पे एक बंदा मुझे दिखा, चलो ये फेंक देते हैं। भाई किधर है तू, जल्दी मेरे सामने आ जा जल्दी। अरे अरे अरे, रुको ज़रा, सब्र करो, अभी तो हम जिंदा है ब्रो। तो गाइस देखो बस आगे होता है क्या। एक किल तो हमने कर लिया है स्टार्टिंग में ही। तो अब आप बस देखो पूरा गेम प्ले, जहाँ जहाँ मुझे समझाना होगा मैं समझाऊंगा कि मैंने क्या क्या किया है। यहाँ पर समझाऊंगा नहीं, बट बताऊंगा कि मैंने क्या किया है। तो बस देखो वीडियो को एंड तक और प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि, चलो ये बाद में बोलता हूँ मैं, बहुत मज़ा आने वाला है। देखो बस तो गाइज़ यहाँ पर मैंने 3 किल कर दिए है, बट यहाँ पर मुझे और कोई बंदा दिखता नहीं है। तो मैं आवाज़ सुन के चला जाता हूँ लॉन्च बेस में। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, फ्री किल्स बोलते गाइज। देखो बस लाइक दबा देना, फ्री किल्स चुरा होता है ऐसे चुरा होता है। तो यहाँ पर जैसे कि आपने देखा, मैंने 3 किल फ्री के ले लिए। मतलब बंदे नॉक पड़े हुए थे, बस मुझे मारना था। एक बंदा था लाइव, उसको तो पीछे से मार दिया भाई। तो गाइज़ यहाँ पर भी सब बंदे ख़त्म हो चुके हैं। यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि और कोई यहाँ पर होगा। तो यहाँ से मैं चल पड़ता हूँ आगे की तरफ, बस देखो होता है क्या। Drop has been delivered. तो गाइस यहाँ पर आते ही मुझे सलमान भाई दिख जाते हैं, जो बाइक पर जा रहे थे। तो यहाँ पर सलमान भाई को मैं हाय बोलता हूँ। सलमान भाई हाय, कैसे हो?
तो गाइज यहाँ पर सेलबर्न भाई ज़्यादा ही चालाकियाँ कर रहे थे, तो भाई सेलबर्न भाई को हमने लेटा दिया कि भाई इतना मत बोलो, यहाँ पर और भी है भाई, आप अकेले नहीं हो। तो सेलबर्न भाई जिंदाबाद। तो गाइस बाइक पर घूमते घूमते हम आ जाते हैं बस स्टेशन में, और यहाँ पर बंदे ढूंढने की कोशिश जारी है क्योंकि हमें हील्स चाहिए। बहुत ढूंढता हूँ यहाँ पर भी, बट फाइनली एक बंदे का मुझे आवाज़ आ जाता है। अब देखो वो भाग कर पता नहीं कहाँ जा रहा होता है। भाई सलमान भाई को शिकायत मत करने जा, अगर सलमान भाई को तू शिकायत करने जाएगा तो भाई मारा दिया जाएगा। यहाँ पर सिर्फ इंसाफ होगा, ना इंसाफ नहीं होगा, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इंसाफ ही होगा और सपोर्ट करना पड़ेगा। और दूसरा बंदा आ चुका है भाई सलमान भाई के सपोर्ट में, यहाँ पर बहुत सारे आ चुके हैं बंदे। तो देखो क्या होता है। Ship terminal is almost ready. The safe zone is collapsing. तो गाइस यहां पर मैं Doom 4 बाइक लेके आ जाता हूं। यहाँ पर मुझे एक बंदा दिख चुका है पहले से ही, तो आ पहल मुझे मार। ये बंदा पता नहीं क्या सोच के आ रहा था कि आओ डेडमैन मुझे मारेगा, मैं सिर्फ डेडमैन के हाथ से मरना चाहता हूँ। डेडमैन तू मुझे मार भाई, डेडमैन ओपी। तो गाइस यहाँ पर देखो टैंक वर्सेस डेडमैन या डेडमैन वर्सेस टैंक, बहुत मज़ा आने वाला है, बस देखते रहो यहाँ पर होता है क्या। तो गाइस यहाँ पर सलमान भाई ने मुझे बोला था कि अगर टैंक में बैठोगे तो तुझे कोई नहीं मार पाएगा, मैं भी नहीं मार पाऊँगा। तो सलमान भाई के कहने पर हमने टैंक ले लिया क्योंकि सलमान भाई खुद हमें नहीं मार पाएंगे। तो सलमान भाई की यहाँ जान खतरे में है, सलमान भाई के कहने पर हम टैंक लेके आ चुके हैं, बट गाइस यहाँ पर टैंक मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और यहाँ पर टैंक को मैं अंदर पार्किंग में लगा देता हूँ भाई, मैं कहाँ पार्किंग में लगाऊँ, बाहर तो कोई जगह ही नहीं थी भाई, सीधा अंदर लगा दिया पार्क में। देखो अब यहाँ पर क्या होता है। तो गाइस यहाँ पर फुल इंटेंस फाइट होने वाली है, मैंने यहाँ पर कोई कट नहीं लगाया है, तो पूरा वीडियो देखो यहाँ से एंड तक देखो, बहुत मजा आने वाला है। बस देखो फिर क्या होता है, मैं जहाँ पर बोलने लायक होगा वहाँ पर मैं बोलूँगा। तो भाई लोग यहाँ पर मुझे फटके चार हो चुके हैं, मैं भागा पीछे की तरफ, चार बंदे सीधा मेरे मुंह पे, भागते भागते गाइस यहाँ पर एक बंदा मेरे सामने से गुजर रहा था और कह रहा था कि डेडमैन तू ही मुझे मार, मैं किसी और के हाथ से मरना नहीं चाहता, डेडमैन तू ही मुझे मार। और पीछे से वो चार बंदे आ रहे थे मेरे मुंह पे, तो भाई फटके चार हो गए थे क्योंकि सोलो वर्सेस स्क्वाड बहुत डिफिकल्ट होता है, और मैं गाइस पहुंच चुका हूं प्रो 2 में। तो भाई बंदे जहर लेवल के आते हैं भाई, देखो क्या होता है। तो गाइस यहाँ पर मेरी टैंक ने सलमान भाई ने ले लिया है, और मैं यहाँ पर टैंक से बचना चाहता हूँ क्योंकि एक बार मैं टैंक से मर चुका हूँ। तो यहाँ पर मैं पूरा फ्लैंक मारता हूँ, लेफ्ट साइड से पूरा नीचे से जाता हूँ, सीधा ऊपर पहुँचूँगा, देखना यहाँ पर होता है क्या। मैंने इतना लंबा फ्लैंक मारा क्योंकि उनको पता ना चले, और सीधा मेरे ऊपर एक टैंक है भाई, आप समझ सकते हो। आपने अगर मेरा पहला वीडियो नहीं देखा हो तो जाके देख लो, वहाँ पर गाइस मैं टैंक से मरा हूँ भाई, मुझे नहीं पता था कि टैंक क्या करता है, बट अब समझ में आ गया कि भाई टैंक है।
एक ही मतलब एक शॉट में भाई पूरा बंदा लेट जाता है। तो यहाँ पर मैं फ्लैंक मार के आ चुका हूँ, मुझे पता है ऊपर बंदा है अभी भी, वो चार बंदे किसी और के साथ फाइट कर रहे हैं। तो मैं सोचता हूँ कि यार थर्ड पार्टी तो बनता है भाई, थर्ड पार्टी बेस्ट ऑप्शन है गाइस। जब सोलो वर्सेस स्क्वाड खेलते हो तो भाई आईक्यू का यूज़ करके थर्ड पार्टी कर दो। देखो यहाँ पर इसको मैं ना कुत्ता बना के मारता हूँ, सभी को कुत्ता बना के छोड़ता हूँ। Careful, Poltergeist is nearby. तो गाइस यहाँ पर सलमान भाई ने अपनी टैंक खुद ही फोड़ के रख दी। तो यहाँ पर गाइस टोटल दो बंदे और मैं अकेला, डुओ वर्सेस मैं, क्या होता है क्या हम जीत पाएंगे? देखो यहाँ पर क्या होता है, बस देखते रहो। यहाँ पर हमारे पास भी इस्तेमाल करेंगे। अरे भाई देखो पीछे तो देखो, अरे पीछे तो देखो, अरे क्या कर रहे थे। तो यहाँ पर एक बंदा बचा है और उसको भी मैं फिनिश कर देता हूँ। तो गाइस वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना गाइस।